नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण्स किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, इस विंटर सीजन मैंने बीन्स के प्लांट लगाए हैं और इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग आई है। आप इसकी फलियां देख सकते हो, एक पौधे में पूरी तरह से या गुच्छों में भरी हुई है। तो दोस्तों, इसमें बहुत अधिक फल लगते हैं और पूरे पौधे में ये फलियाँ भर जाती हैं। तो मैं आज आप सबों को यही बताने वाली हूँ कि बीन्स के प्लांट को मैंने कैसे लगाया है। तो दोस्तों, बीन्स के प्लांट मुख्य रूप से ठंड के सीजन में ही लगती हैं और इसे हम सितंबर लास्ट वीक से अपने छत पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सितंबर लास्ट वीक से पूरे दिसंबर तक हम इसे अपने छत पर लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करती हैं। दोस्तों, इसकी पहली फ्रूटिंग बहुत ही अच्छी होती है और एक पौधे में लगभग 30 से 40 फलियां एक बार में बनती हैं। तो इसे आप अपने गार्डन में बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। यह बहुत ही आसानी से होने वाली सब्जी है, बहुत ही कम केयर में और बहुत ही कम समय में ये हो जाती हैं और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होती है और बहुत ही लंबे समय तक हमारे गार्डन में ये बनी रहती हैं। इसमें दो बार फ्रूटिंग होती हैं और तीसरी बार भी होती हैं, पर उसमें बहुत ही कम फल लगते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और बताती हूँ इसे छत पर कैसे लगाया है मैंने। तो देखिए, मैंने हाइब्रिड क्वालिटी के बीज लिए हैं और हल्दी के पानी में एक घंटे के लिए डुबोकर छोड़ दिया था और इसे लगाने के लिए थर्माकोल के 3 कंटेनर ले रही हूँ। थर्माकोल के कंटेनर की लंबाई जो होती है 24 इंच की होती है और इसकी गहराई जो है 12 इंच की है। तो काफ़ी बड़ी कंटेनर है ये, काफ़ी बड़ी साइज की है। और इसे लगाने के लिए मैं देखिए छोटे छोटे गड्ढे खोद रही हूँ। मैं अपने बीजों की बुआई जो है, बड़े बीज जो होते हैं उनकी बुआई ज़्यादातर इसी प्रकार करती हूँ, उसे डायरेक्ट ही मिट्टी में डालती हूँ। डायरेक्ट बोने से भी इसके रिजल्ट जो है मुझे बहुत ही अच्छे मिलते हैं और जितने भी बड़े साइज़ के बीज होते हैं उनकी बुआई मैं ज़्यादातर इसी प्रकार करती हूँ, डायरेक्ट ही मिट्टी में डालती हूँ। मुझे कभी भी इसके रिजल्ट जो हैं ख़राब नहीं मिले। आप इसकी सीडलिंग कर सकते हो, सीडलिंग 10 से 15 दिनों में तैयार हो जाती है। तो दोस्तों चलिए इसे लगाते हैं। तो देखिए, एक एक गड्ढे में मैं एक बीज डालूंगी और इसे डालना शुरू करती हूँ। दोस्तों, इस कंटेनर की गहराई बहुत अधिक है इसलिए मैंने सबसे नीचे इसमें पत्ते डाले हैं, फिर उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाली है। इसकी मिट्टी में 50% गार्डन सोल है, 30% गोबर की खाद है, 10% पत्तों की खाद है और थोड़ी सी सरसों खली है, थोड़ी सी नीम खली है और फंगीसाइड मैंने ऐड की है। मिट्टी को हल्का बनाने के लिए मैंने इसमें धान की भूसी मिलाई है। तो दोस्तों देखिए, बीज के ऊपर मैं यहाँ कोकोपीट और 50% गोबर की खाद ले रही हूँ और इसके बीज को मैं 1/2 इंच के लेयर में इस तरह से इसके बीज को ढक रही हूँ। दोस्तों, कोकोपीट जो है वो बहुत ही हल्की होती है और बीजों को निकलने में बहुत ही आसानी होती है। तो अपने बीजों की बुआई में देखिए इस प्रकार से करती हूँ और मुझे इसके रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और देखिए, ये 10 दिनों के बाद का अपडेट है। 10 दिनों में ये पूरी तरह से अंकुरित होकर छोटे छोटे पौधों का रूप ले लिया है। और देखिए, मैंने जितने भी बीज डाले थे, एक कंटेनर में मैंने लगभग 8 बीज डाले थे और सभी बीज जो हैं इस तरह से बाहर निकल आए हैं। एक भी बीज जो है वो ख़राब नहीं हुई, सभी अंकुरित हो गए हैं। पौधे 1 मंथ के हो गए हैं और इसमें बहुत ही अच्छे से फूल बनने लगे हैं, भर भर कर फूल आ रही हैं। तो देखिए, 1 मंथ के होने के बाद जब इसमें फूल बनने लगते हैं तो काले रंग के जो कीड़े होते हैं जिसे महुए कहते हैं, उनका अटैक बहुत अधिक होता है। तो ऐसे समय में अगर आप हर दिन की केयर करते हो अपने पौधों की, थोड़ी सी भी अगर आपको वो कहीं दिखाई देती है तो उसे हटा देते हो, तो किसी भी चीज़ की, किसी भी कीटनाशक के छिड़काव की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं हर दिन की केयर करती हूँ और मुझे कभी भी कोई छिड़काव करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है और मैंने किसी भी कीटनाशक का छिड़काव नहीं किया है। आप नीम ऑयल का छिड़काव इसमें कर सकते हो। तो दोस्तों, पौधे 1 महीने के हो गए हैं, इसमें फूल लगने लगी हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ आज खाद। किस तरह की खाद डाल रही हूँ चलिए दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैं ले रही हूँ गोबर की खाद। गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो। दोस्तों, गोबर की खाद में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है और पौधे चाहे जिस स्टेज में हो हमें नाइट्रोजन युक्त खाद देनी होती है। तो मैं ले रही हूँ गोबर की खाद और यहाँ ले रही हूँ मैं किचन कंपोस्ट। किचन कंपोस्ट NPK का स्रोत होती है, इसमें सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद हैं। इस स्टेज में अगर आप किचन कंपोस्ट डालते हो पौधों में तो उसकी पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों, ये है स्टोन डस्ट
और स्टोन डस्ट पत्थर का चूरा होती है और इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। क्योंकि बीन्स एक पौध वाली सब्जी है इसलिए मैं इसमें कैल्शियम युक्त खाद डाल रही हूँ। दोस्तों ये है सरसों खली और सरसों खली में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस मुख्य रूप से पाई जाती है। यह फलों के अच्छे ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और यह फूल झड़ने से भी रोकती है, तो इससे भी डाल रही हूँ। और ये ले रही हूँ मैं थोड़ी सी नीम खली। नीम खली कीटनाशक का काम करती है और मिट्टी को यह रोग मुक्त रखती है, तो इसका इस्तेमाल भी कर रही हूँ। तो दोस्तों इतने सारे चीज़ों के अलावा मैं ले रही हूँ थोड़ी सी फंगीसाइड। किसी भी पौध के लिए आप खाद तैयार करते हो तो फंगीसाइड ज़रूर ऐड करें। यह जड़ों को सुरक्षित रखती हैं, मिट्टी को सुरक्षित रखती हैं, फंगस लगने नहीं देती हैं। तो दोस्तों इतने सारे चीज़ों को मिलाकर मैं इसके लिए खाद तैयार कर रही हूँ। इस तरह के खाद जो है मैं एक महीने के बाद अपने बीन्स के प्लांट में डाल रही हूँ। सूखी मिट्टी में कभी भी खाद नहीं डालनी चाहिए। जिस दिन खाद डालनी हो उसके एक दिन पहले पौधों में पानी डाल देनी चाहिए और दूसरे दिन फिर उसमें खाद डालनी चाहिए। मैंने एक दिन पहले इसमें पानी डाल दी है इसलिए इसमें नमी बनी हुई है। तो दोस्तों खाद डालने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी गुड़ाई कर ले रही हूँ। गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की हो जाती है और जड़ों तक ऑक्सीजन बहुत ही आसानी से पहुँचती है। जड़ों तक ऑक्सीजन आसानी से पहुँचती है जिसके कारण पौधे जो हैं वो हेल्दी ग्रोथ करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो चलिए अब इसमें डालती हूँ खाद। तो दोस्तों देखिए गुड़ाई करने से एक फ़ायदा और भी होता है, जितने भी खरपतवार हैं वो बहुत ही आसानी से गुड़ाई करने से निकल जाते हैं। खरपतवार अगर आप इसमें छोड़ देते हो तो इसमें इल्लियाँ बनने लगती हैं, फिर वो पौधों में ऊपर की ओर बढ़ती हैं और फलों को खाने लगती हैं। इसीलिए जितने भी खरपतवार होते हैं उनको निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। ग्रोबैग जितनी साफ़ सुथरी रहेगी नीचे से उतने ही आपके पौधे जो हैं स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि कीड़े जो हैं वो खरपतवार में भी पनपते हैं। तो खरपतवार जो है गुड़ाई से आप बाहर निकाल दीजिए। तो दोस्तों देखिए ये हैं 55 दिनों के बाद का अपडेट। 55 दिनों के बाद मैं दिखला रही हूँ, इसमें फलियाँ जो हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर गई हैं और अब हार्वेस्टिंग के लिए ये पूरी तरह से तैयार हैं। तो देखिए जितने फूल इसमें आए थे सभी में फलियाँ बन चुकी हैं और भर भर कर इसमें फलियाँ लगी हुई हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक पौधे में लगभग 30 से 40 फलियाँ बनती हैं, उससे भी ज़्यादा बनती हैं। अगर मैं पौधों को उखाड़ कर उसकी फलियाँ गिनूँ तो उससे भी अधिक फलियाँ होंगी। दोस्तों बीन्स के प्लांट बहुत ही कम केयर में, बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से लगने वाली प्लांट है। इसे छत पर लगाना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो दोस्तों जब भी आप इसे लगाएं थोड़ी सी अधिक संख्या में इसके पौध लगाएं, आपके किचन की ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए जब इसकी पहली हार्वेस्टिंग होती है तो बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग होती है। बीन्स के प्लांट में 3 बार फूल लगते हैं। पहली बार में बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग होती है, बहुत अच्छी फलियां बनती है। थोड़ी सी अच्छी केयर मिले तो दूसरी बार की फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है और इससे बहुत ही अच्छी फलियां तैयार होती हैं। तीसरी बार की फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है और फल भी थोड़े से मुड़े मुड़े आते हैं। तो दोस्तों बीन्स के प्लांट में इस तरह से 3 बार फूल तैयार होते हैं और 3 बार इसमें फलियाँ तैयार होती हैं। तो दोस्तों बीन्स के प्लांट बहुत ही लंबे समय तक हमारे गार्डन में रहती हैं और बहुत ही अच्छी इससे हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। तो दोस्तों आप भी अपने गार्डन में इसे ज़रूर लगाइए और इसकी फलियों का आनंद लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।